और सर्प कभी भी दूध नहीं पीते हैं, ना बीन पे नाचते हैं, ना बदला लेते हैं। ये सब मनगढ़ंत कहानी है, पुराना अंधविश्वास है, लोग उसी में पड़े हैं। पीछे रहो, नाग नागिन नहीं, कहा कुछ ना भाई, नाग नाग नागिन ना। हाँ दोनों नाग नागिन और है। अब नहीं समय ज्यादा लोगे तो आपकी जान नहीं बचेगी। तो देख सकते हैं सर्पों की खूबसूरती। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से स्वागत है इस वीडियो में। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आर के सर में। कहना चाहते हैं सूचनाएं आती हैं और आना जाना लगा हुआ है। जीवों को सुरक्षित पकड़कर जिम्मेदारी से पुनर्वास के लिए जंगल में ऐसी जगह रिलीज करना जहाँ वो सर्वाइव कर सके। बरसात हो रही है तो सर्दी का मौसम है, टेम्परेचर है, तो काफ़ी ऐसी जगह पे पहुंच चुका है जो जीवों को सर्वाइव करने के लिए बहुत परेशानी होती है। तो दो बेजुबानों को पकड़ने के लिए आज हम आ गए हैं। ग्राम भैंसियापुर है, सर्प हैं इनके यहाँ जो उपली लगी है मकान के पीछे, तो वो सर्प उन्हीं में देखे गए हैं। भैया कल से फ़ोन किए थे, आने में थोड़ी देरी हुई, भैया से क्षमा चाहते हैं। तो सर्प पकड़ते हैं, उससे पहले उन भैया से परिचय करवाना चाहते हैं जिन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया, हमें याद किया है दो जीवों की जान बचाने के लिए। मैं शिव कुमार यादव भैंसियापुर से जनपद कन्नौज से बोल रहा हूँ। मेरे पास रवि भैया का नंबर था, ये मेरे स्टाफ में ड्यूटी करते हैं, अनोखी ड्यूटी है, तो इन्हीं को मैंने कॉल किया। दो बार और ये पकड़ चुके हैं, तो ऐसे मौसम में सर का निकलना, घर के पास आना बड़ा दिक्कत हो जाता है, इसलिए फ़ोन किया। भैया तुरंत आ गए आधा घंटे में। तो सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जीवों के प्रति दया रखने के लिए। जो भी समय लगेगा वीडियो के साथ साथ आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें, देखते हैं, निकाल कर दिखाते हैं सर कहाँ पर है, फिर बताते हैं कुछ विस्तृत जानकारी। अरे मैं ढूंढ ली तो कोई नहीं, नाए निकली गो भैया। आखिरी टाइम कब, कितने कंफर्म दीजिएगा, देखो इसकी बात बता दो। अरे यार कहां बात है, ये हसिया रही है ना, हसिया का हो गया। और एक है, हाँ तू ही है भैया, तू ही है, हाँ तू ही, परेशान हो, परेशान हो, हाँ तू ही है, हाँ तू ही है, शांत रहो, बोलो ना, पीछे ना भाई, नांग नांग ना, दोनों नांग नांग और है, और गाड़ी में डब्बा रखो है, निकल लो वहीं चलेंगे। अच्छा अब नहीं तो आप लोगों ने देखा ये जो सर्प हैं दोनों रेस्क्यू कर लिए गए सुरक्षा से। चलो इनको लेके चलते हैं उधर बाहर। तो
ये सब देख रहे हैं आप लोग, ये इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है, दोनों एक मेल है एक फीमेल है। तो जब ये सर काट लें कुत्ते को दूर रखना, समय को बिल्कुल बर्बाद न करें। इनके अंदर जो जहर पाया जाता है वो न्यूरोटॉक्सिन जहर होता है, समय से आप इलाज कराओगे तभी आपकी जान बचेगी। समय ज्यादा लोगे तो आपकी जान नहीं बचेगी। तो देख सकते हैं सर्पों की खूबसूरती, और ये बेजुबान, इनको मारना अपराध है, इनको कभी भी आप लोग ना मारो, क्योंकि सर्दी का मौसम है, इनको परेशान नहीं करना चाहेंगे। ये सर्पों का अद्भुत जोड़ा है, आप लोग देख सकते हैं कैमरे में, एक बार जूम करके दिखा भैया। और सर्प कभी भी दूध नहीं पीते हैं, ना बीन पे नाचते हैं, ना बदला लेते हैं। ये सब मनगढ़ंत कहानी है, पुराना अंधविश्वास है, लोग उसी में पड़े हैं। तो देख सकते हैं सर्प एक बूंद दूध पी लेगा तो मर जाएगा। सर्पों के अंदर दूध पचाने वाला एंजाइम नहीं पाया जाता है। ये इस समय खतरे का सामना कर रहे हैं और हमारी तरफ इंडिकेट कर रहे हैं कि आप लोग सावधान रहो, खतरा है। देख सकते हैं खड़ा होने का मतलब है खतरे का सामना करना, ये भागते नहीं है जल्दी डर कर। वो तो अपने आप कर रहा है, मोहर कहाँ है। ये सब जानते हैं और पर्यावरण में इनका अहम रोल है, इकोसिस्टम में इनका अहम रोल है, पर्यावरण इन्हीं जीवों से बचा है। और सर्दी का मौसम है, ये उन उपलियों में इसलिए घुस गए थे अपने को राहत पाने के लिए और अपने को सुरक्षित महसूस करने के लिए। ठीक है, इनको परेशान नहीं करना चाहेंगे। तो भैया जब ये सर्प काट ले रात रात में, सीधे आप जिला अस्पताल जाओ, झाड़ फूंक जड़ी बूटी बिरवावन तो कुछ नहीं होता है। तो आप लोग वीडियो को देखकर नकल न करना, क्योंकि हमारे पास कोई भी इक्विपमेंट नहीं है। कितने चाहिए, कितने बताओ। देखिए बीमारी है हलने की। डब्बा लगा हमारा गाड़ी में था, डब्बा नगर को आराम से वहां बैठ के बताओ। तो इनका नाम इंग्लिश में इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा, हिंदी में गेहूं, गिटार, पलटू, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाने वाला ये सब जहरीला होता है। ये सर काट लेता है तो उसका नर्वस सिस्टम है वो डैमेज हो जाता है, नाड़ी तक। समय से आप लोग जिला अस्पताल पहुंचेंगे, वहीं से एंटीवेनम लगेगा तभी आपकी जान बचेगी। ये झाड़ फूंक जड़ी बूटी बिरवा मंत्र कुछ नहीं होता है, ये सब अंधविश्वास है, मनगढ़ंत फिल्मी कहानियां हैं, उन्हीं को लोग बढ़ावा दे रहे हैं। अरे अच्छा कल से बैठे हैं जगह नहीं छोड़ी है, जगह नहीं छोड़ी। सर्दी में परेशान हो जाते हैं। हमने देख लो फन ये कार्य करना आसान नहीं होता भैया, समय जाना तेरी पर रखनी पड़ती है, कौन सा पल जिंदगी का आखिरी पल हो जाए,
वीडियो के साथ साथ आप लोगों का सपोर्ट रखना बहुत जरूरी है। भैया तब तक और खबुआ देख लेते कंडा अंडा इधर मैं सही है वो हटा के गाड़ी आड़ी वहां देख लो ना फिर हम लोग पहुंचे फिर तुम कहो जल्दी आओ गाड़ी आड़ी वहां देख लियो मामा का गाड़ी ऊपर से गाड़ी कंडा देख लिया वो जहां पुस्तक की जगह हूं देख रहा हूं तुम तो मैं लेट हो पाऊ अब का तो भज तेरा रात सही बात है मैं आप तेरा एक कब बात बाहर को जाए लोकल मोमो उठाए चले जाओ फिर मौसम वही तो है ना आप लोग ऐसे सपोर्ट बना रहे किसी भी जीप को ना हमारे मारना अपराध है लेकर चलते हैं पुनर्वास के लिए जंगल में अभी रिलीज करने की इन्हें सब बातों के साथ वीडियो का एंड करते हैं लेते हैं अलविदा फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जीवों को सुरक्षित पकड़कर जंगल में छोड़ते हुए पुनर्वास के लिए और लोगों से अंधविश्वास दूर करते हुए तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। तो आप लोगों ने देखा जो दो सर्पों को जो सर्पों का अद्भुत जोड़ा है इंडियन स्पेक्टल्ड कोबरा दोनों एक एक मेल है एक फीमेल है जो सियापुर में एक उपली में निकले थे तो उनको सुरक्षित रिलीज करने के लिए क्योंकि कल पूरे दिन बरसात होती रही शाम हो गई तो इनको रिलीज नहीं कर पाए तो आज मौसम खुल गया है तो ऐसे में इनको सुरक्षित रखे रहे तो अब आ गए इनको रिलीज करने के लिए। मौसम ठीक है अच्छे से सर्वाइव कर लेंगे ये जो वातानुकूलित पर्यावरण है। तो आप लोग देखिए इन दोनों जीवों को देख सकते हैं अभी भी इंडिकेट कर रहे हैं अपना फूड है उसको खड़ा करके ठीक है इसको जल्द से जल्द रिलीज करेंगे क्योंकि मौसम है वो बरसात का है और ये सर्पों का अद्भुत जोड़ा है एक मेल है एक फीमेल है तो इनको कोशिश करेंगे ये दोनों एक ही साइड में चले जाएं और धीरे धीरे एक तो चला गया है और ये भी इस वातावरण को महसूस करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो आप लोग कमेंट कर बताएं हमारा कार्य कैसा लगता है जो दूर दूर तक बेजवानों को जाकर बचाने का प्रयास करते हैं एनी टाइम जान हथेली पर रखकर हमारा कार्य कैसा लगता है प्लीज कमेंट में अपनी राय जरूर दें और चलते हैं ये तो चले गए हम भी चलते हैं अपने स्थानीय निवास की तरफ और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में जीवों को बचाते हुए। तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।